गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक गैल्वेनोमीटर से ही रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसके दो टाइप्स लिखाए गए थे, एक करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये प्रश्न उठता है कि ये करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। तो दोस्तों करंट सेंसिटिविटी क्या है, तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉयल। किसी गैल्वेनोमीटर के कॉयल में हुए डिफ्लेक्शन और उसे पास होने वाले करंट के रेशियो को ही, मतलब कितना करंट पास किया और कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन को ऊपर रखना है, करंट को नीचे रखना है, ये जो रेशियो होगा इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या बताया गया था कि कोई भी गैल्वेनोमीटर मिनिमम करंट मेजर करने की कैपेसिटी, किसी भी गैल्वेनोमीटर का मिनिमम करंट को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी, मिनिमम कितना करंट को वो डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वन इज करंट सेंसिटिविटी एंड अनदर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर। कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, क्या बात है जी, सिर्फ छपाई मशीन सब बोलते हैं जब दिखें समझाएं तो ऊपर देखो, किसको समझा रहे हैं हम, मन नहीं लग रहा क्लास में। तो दोस्तों ये होता क्या है, रेशियो, द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी क्या है, ये रेशियो है। किनका रेशियो है, ये रेशियो होगा द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जब आप देखते हैं थे, कल देखा था करंट पास करते हैं किसी कॉइल से तो मैग्नेट उस पर टर्क लगाता है जिससे वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंड करंट, करंट पासेस थ्रू कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं CS से, इट इज डिनोटेड बाई CS। तो दोस्तों CS का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई डिफ्लेक्शन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, करंट को I से, थीटा बाई I, ये इसका फॉर्मूला हुआ। लेकिन कल आपने एक फॉर्मूला देखा था NBIA इक्वल क्या था, K इंटू थीटा। इससे आप थीटा बाई आई निकालें, थीटा यहाँ है, आई को नीचे ले जाएं, K को इधर ले आएं, तो आप थीटा बाई आई को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, NB बाई K। तो करंट सेंसिटिविटी का एक और फार्मूला, थीटा बाई आई इक्वल एन बी ए बाई के। इनका क्या होगा ऐसा यूनिट दोस्तों, वेरी गुड, थीटा का रेडियन और करंट का इलेक्ट्रिक, I4 इलेक्ट्रिक करंट जिसका एम्पियर,
तो आप आर एन बाई ए रेडियन पर एम्पियर। डायमेंशन की बात करें तो सिर्फ ए इनवर्स आई इनवर्स लिख सकते हैं आप, या एम नॉट एल नॉट टी नॉट आई इनवर्स, आई की जगह पे ए भी लिख सकते हैं। थीटा का कुछ होता नहीं, आई का आई रह गया, आई ऊपर गया, आई इनवर्स हो गया, या फिर आप ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब आप इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे, ये भी रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज अप्लाइड, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज को किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, अप्लाइड अक्रॉस कॉइल, अक्रॉस कॉइल इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाय VS। तो दोस्तों VS का क्या फॉर्मूला होगा, VS का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय V। V को लिख सकते हैं आप IR, थीटा बाय I को लिख सकते हैं CS बाय R। ये भी फॉर्मूला, दोनों में रिलेशन भी हो गया VS और CS के बीच। देखिए नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा इसको ऐसे मोड़ उठा दीजिए, आ गया पूरा। यूनिट इसका क्या होगा, एसआई यूनिट और डायमेंशन, एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा दैट इज रेडियन, और वोल्टेज का वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। डायमेंशन की बात करें तो थीटा का कुछ नहीं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, और वी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसका बोलिए तो आई इनवर्स, ऊपर लाइए एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी क्यू आई। अब देखिए कैलकुलेटर का कन्वर्शन इनटू एमीटर, तो पहले एमीटर क्या है ये तो पहले ही पढ़ा चुका है गया आपको। एमीटर से क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसे मेजर करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस। डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर किस क्रम में सजाते हैं, एमीटर इज अरेंज्ड, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इन सीरीज ऑर्डर। तो एमीटर को दोस्तों सीरीज ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, और एमीटर को किस में सजाते हैं, सीरीज में अरेंज करते हैं। अब ये सवाल है कि एमीटर बनेगा कैसे, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, आइए हम लोग सीखते हैं। कन्वर्शन ऑफ
कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। इसके लिए दोस्तों टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर क्या करते हैं, एक वायर को जोड़ते हैं, ए वायर ऑफ वेरी लेस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है इन पैरेलल ऑर्डर ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर ए वायर ऑफ वेरी लेस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसका नाम शंट होता है, विच इज कॉल्ड शंट। ये भी एक सवाल है, व्हाट इज शंट? एक वायर जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जिसको गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तुम लोग पहले दिन आया क्या जी? फर्स्ट डे क्लास है, फिर छपाई क्यों कर रहा है, समझा रहे हैं? तो कितना बिजी मैन सर है तुम लोग यार, पढ़ने का समझने का टाइम नहीं तुम लोगों के पास। तो गैल्वेनोमीटर को अपने को सबसे तेज समझता है, दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है सब। ये मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को जी मानते हैं, कॉइल का रेजिस्टेंस, इसी के पैरेलल ऑर्डर में एक काफ़ी कम रेजिस्टेंस के वायर को कनेक्ट किया जाता है। जिसका नाम शंट है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक काफ़ी कम रेजिस्टेंस के वायर को गैल्वेनोमीटर के कॉइल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जाता है? समांतर क्रम में। अब इस फिगर को इस तरह से भी बना सकते हैं, अंदर में दिखाइए। आप मान लीजिए आपका ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका कॉइल का रेजिस्टेंस है, और यहीं पे एक वायर काफ़ी कम रेजिस्टेंस का पैरेलल में जोड़ दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसकी कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को जी मानते हैं, और ये शंट हो गया तो इसको हम लोग एस मानते हैं। क्या मानते हैं? एस, एस फॉर शंट। शंट क्या है? ए वायर ऑफ वेरी लेस रेजिस्टेंस विच इज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इससे क्या फायदा हुआ? शंट लगा देने से फायदा क्या हुआ, बता सकते हैं कोई? शंट लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? घटेगा, क्योंकि पैरेलल में अरेंज कर रहे हैं। पैरेलल में आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, तो जितना ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा करंट एमीटर से फ्लो होगा तभी ना वो बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है एमीटर बनाने के लिए कि उसका रेजिस्टेंस को काफ़ी कम किया जाए, तभी हम लोग करंट को सही सही मेज़र कर सकते। जितना कम होगा रेजिस्टेंस एमीटर का उतना अच्छा वो एमीटर कहलाएगा, उतना सही वो रिजल्ट देगा, सही करंट का मेज़रमेंट करेगा। रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा वो करंट को रोक देगा, जब करंट उससे पास ही नहीं करेगा उससे वो मेज़र क्या कर पाएगा। इसलिए अच्छा एमीटर कौन है?
जिसका रेजिस्टेंस कम, एकदम आइडियल कंडीशन में जीरो बोलेंगे। आइडियल कंडीशन ऐसा होगा ही हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस बचेगा ही, रहेगा ही। तो दोस्तों इस संट का मान भी निकालना है आपको, तो इसके लिए आप जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ स्विच लगाइए, ये गोल नहीं भी बना सकते हैं, सिर्फ आप सिंपल जो है क्या दिखा सकते हैं, सिर्फ उसका कॉइल रेजिस्टेंस दिखाइए, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, यहीं से एक ठो पैरेलल जोड़ दिया, इसका नाम शंट हो गया। अब ये पूरा मिल करके हमारा बन गया एमीटर, कन्वर्टेड इनटू एमीटर। मान लेते हैं यहां से तो आई करंट आ रहा है, तो करंट को यहां से दो रास्ता मिल गया, एक इधर एक इधर। तो मान लो शंट से जो जा रहा है वो आई एस है, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस आई एस। आप क्या लगाते हैं, आप बता सकते हैं कौन सा लॉ लगाते हैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कौन सा लॉ बना है, जंक्शन लॉ, कौन सा, किसका जंक्शन लॉ, किसका था जी, करंट जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, KVL, KCL के बिल भूल जाएगा आदमी, फैराडे बोला है कुछ लोग, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट जो बांटते हैं अकॉर्डिंग टू KCL, KCL क्या था, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो आप कभी देखिएगा बुक्स में ये कभी ये दिखाएगा कि इसी से दिखाया IG, गैल्वेनोमीटर से करंट IG, तो शंट से कितना हो जाएगा बोलो, करंट यहाँ पे टोटल I आ रहा है, इधर गया IG, जो रेस्ट बचेगा वही निधर जाएगा, I माइनस KCL क्या कहता था, टोटल इनपुट करंट बराबर टोटल आउटपुट करंट, जितना आता है उतना चला जाता है, टोटल अल्जेब्रिक सम शून्य होता है, KCL के अनुसार करंट जीरो बताया था ना, वोल्टेज के अनुसार वोल्टेज जीरो, शॉर्टकट याद रखने का मेथड बताया गया था, और KCL को भूल गए आप लोग। तो अब यहाँ पे आप KVL लगाइए, तो कौन भूला, कैफ बोला ना, चलो बताओ यहाँ पे KVL क्या होगा, चलो कैफ बोलो, तो अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लाओ, इसके लिए एक क्लोज सर्किट लेना पड़ता, याद कीजिए KVL में क्या था, कोई क्लोज सर्किट ABCD फिर A, इन क्लोज सर्किट नाम ABCDA, बताइए क्या इक्वेशन आएगा, क्या अभी बोला था ना, कौन भूल गया, चल खड़ा हो, KVL लगाइए और इक्वेशन बताइए, कौन सा इक्वेशन आएगा यहाँ, KVL क्या कहता था, वोल्टेज जीरो, उसमें कैसे निकाल लिखते थे, इक्वेशंस कैसे लिखते थे उसमें, कोई याद है किसी को, एनीवन, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है KCL KVL, एक भी लड़का कोई बताओ यार, क्या था बोलो, कि करंट को रेजिस्टेंस से गुना करते हैं, ABCDA ले रहे हैं, या करंट कितना है I माइनस IG, और रेजिस्टेंस क्या है S, और फिर इसका देखिए, इसमें देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो वो माइनस हो जाएगा IG into G इक्वल कितना लिखेंगे, जीरो, इक्वल जीरो के, यहाँ अगर हम प्लस लगाते तब यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट में माइनस करते हैं, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, बैठ जाइए, I माइनस IG इंटू S, IG इंटू G इक्वल जीरो, हमको S निकालना है, शंट का मान निकालना है, तो IG इंटू G, तो S का फॉर्मूला होगा IG इंटू G बटे I माइनस IG,
कितने रेजिस्टेंस का शंट जोड़ना है, उसका फॉर्मूला निकल गया आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। तो दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, एमीटर बनाया। कैसे बनाया, गैल्वेनोमीटर से बनाया। कैसे बनाया, तो एक कम रेजिस्टेंस के वायर को गैल्वेनोमीटर के कॉइल के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिसका नाम शंट है। शंट क्या है, तो इसका भी यही डिफिनेशन होगा, ए वायर ऑफ वेरी लेस रेजिस्टेंस विच इज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक सवाल आपको सोचने दिया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंट इज जीरो, शंट इज जीरो एंड देयर इज नो एनी शंट, नो एनी शंट, बोथ सेंटेंसेस सेम और नॉट, सेम और नॉट, एक है या नहीं, सोच के आना है, होमवर्क दे रहे हैं। शंट इज जीरो, एक बार कह रहा है शंट इज जीरो, और दूसरा सेंटेंस है देयर इज नो एनी शंट, बोथ सेंटेंसेस सेम है या शंट इज जीरो, और दूसरा क्या कह रहा है देयर इज नो एनी शंट, बोथ सेंटेंसेस आर सेम और नॉट, शंट इज जीरो और दूसरा क्या कह रहा है देयर इज नो एनी शंट, क्या ये दोनों सेंटेंस एक ही है या अलग अलग है, ये आपको सकारण मतलब कारण सहित आंसर देना है। ये होमवर्क रहा आपका, यूट्यूब पे इतना आंसर लिखिएगा आप लोग।